सरकार को नियोजित शिक्षकों को जिला संवर्ग एवं राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए समान काम का समान वेतन देना होगा तथा अध्यापक नियमावली 2023 को वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा शिक्षक संगठन चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। अब शिक्षक काला बिल्ला लगाकर इस नियमावली का विरोध जारी रखेंगे और यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इस नियमावली को वापस नहीं लिया जाता। यह कहना है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट मूल के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और सचिव शाहिद अली का। दरअसल संघ के बैनर तले बुधवार को कमलदह पोखर स्टेशन रोड बक्सर में गांधी प्रतिमा के समक्ष बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की प्रतियों को शिक्षकों ने जलाकर विरोध जताया। उक्त अवसर पर शिक्षक नेताओं ने कहा कि नियमावली कार्यरत नियोजित शिक्षकों के हित में बिल्कुल नहीं है। महागठबंधन की सरकार ने शिक्षकों के साथ वादा किया था कि सरकार बनते ही शिक्षकों को नियमित किया जाएगा और उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री तो बार बार कहते रहे कि शिक्षकों को जिला संवर्ग दिया जाएगा और महिला शिक्षकों का स्थानांतरण उनके सुविधा अनुकूल किया जाएगा, लेकिन जो नियमावली बनाई गई है वह ढाक के तीन पात है। खासतौर पर महिला शिक्षकों के साथ तो घोर अन्याय किया गया है और उनके मान सम्मान और विश्वास के साथ सरकार ने धोखा किया है। सुनिए शिक्षक नेताओं ने क्या कुछ कहा। इसलिए किया जा रहा है कि पिछली जो वर्तमान जो सरकार है इसने वादा किया था शिक्षकों के साथ कि हम जो आपको जिला संवर्ग देंगे और सारी सुविधाएं देंगे, जो राज्य कर्मी के दर्जा देंगे, लेकिन ये चुपके से इस तरह के जो नियमावली लाई है वह निश्चित रूप से शिक्षकों के विश्वास पर प्रकार है और जो वादा किया था उसके साथ शिक्षकों के साथ छलावा है और महिलाओं शिक्षकों के साथ खासतौर पर जिन्होंने आस लगा के बैठा था कि मैं जिला संपर्क देते हुए उनका स्थानांतरण किया जाएगा और कहीं दूर कहीं भी हो वह पास के नजदीक में आएंगे, उनके विश्वास के साथ और उनके मान सम्मान के साथ ये धोखा किया गया है सरकार द्वारा। इसलिए यह नियमावली खारिज कर रहे हैं हम लोग और इस नियमावली को वापस करने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं कि यह नियमावली जल्द से जल्द वापस लिया जाए ताकि शिक्षकों के हित में नया फैसला ले। अभी 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 एक न्यूज चल रहा है जिसमें पता चल रहा है कि इसके लिए भी बैठक की जा रही है, जो कि निश्चित रूप से बैठक की जा रही है। यह शिक्षकों के दबाव का नतीजा है और यह दबाव हम लोग लगातार करते रहेंगे, इसीलिए इस नियमावली को आज हम लोग जलाएंगे और इस नियमावली को हम लोग खारिज कर रहे हैं कि यह नियमावली शिक्षकों के हित में नहीं है और खास तौर पे जो अभी परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी यह नियमावली धोखा है, क्योंकि लगातार वे सातवें चरण में बहाली के लिए भी यह चाह रहे थे कि उनका बहाली हो, लेकिन उनके साथ भी यह धोखा किया जा रहा है कि फिर एक परीक्षा ली जाएगी और जिसके चलते उनका जो बहाली होने वाला था, जो लगातार वह धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो अभी टल गया लंबे समय के लिए। तो साथियों इसलिए इस नियमावली को हम लोग जला रहे हैं और इस नियमावली को हम लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं। विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 जो पूरे प्रदेश में प्रचारित किया गया कि यह नियोजित शिक्षकों के हक में है और जो है राज्य कर्मी का दर्जा है, जिला संवर्ग का जो है दर्जा दिया जाएगा, राज्य कर्मी बनाया जाएगा, ये सारी बातें इस नियमावली में कहीं भी अंकित नहीं है। यह नियोजित शिक्षकों के लिए जो है बहुत बड़ा छलावा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। यह नियमावली न जो है नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए है और न ही जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए है। सभी जो नए बहाली के लिए जो है भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो शिक्षक जो विद्यार्थी वो सीटेट बीटेक स्टेट सभी पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए भी एक और परीक्षा की बात कहना ये बिल्कुल बेवजह है और जो है छलावा है, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट 2019 पास करके 4-5 बरस से बैठे हुए हैं, उनकी शादी रुकी हुई है, नौकरी रुकी, इसी नौकरी के आस में जो है अभी तक उनकी शादी ब्याह नहीं हुआ, इस सबको जो है उनके लिए भी जो है बहुत बड़ा धोखा है। यह जो है बिहार के जनता को समझना चाहिए कि यह जो है क्रियाकलाप जो है सरकार का किसी के भी हित में नहीं है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।